हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद नगर निगम चुनाव 2020 के परिणाम के बारे में, जहां पर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव 2020 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद में कई पार्टियों में खलबली मच चुकी है और बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि जनता का जनादेश यानी कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं, जिसके बाद में बड़े बड़े दलों को झटका लगा और बड़े बड़े दलों का मेयर बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। तो अभी हम आप सभी को बताएंगे कि हैदराबाद में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कौन सी पार्टी का नेता कहां से चुनाव में जीता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए और पास ही में दिख रहे घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आपको आगे भी हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के बारे में पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और हैदराबाद नगर निगम चुनाव की कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है। तो हैदराबाद जो कि निजामों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर चार मीनार है, और दोस्तों आप सभी को बता रहे तो हैदराबाद एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह, योगी, फडणवीस सहित बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैलियां की थी। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर थी और 1 दिसंबर 2020 को जनता की ओर से जो मतदान देखने को मिला वह भी बेहद कम था, जिसके बाद में हर पार्टी की साख दांव पर चली गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक और यहां पर जनता का जो पलटवार देखने को मिला है वह बेहद ही चौंकाने वाला देखने को मिला है, क्योंकि आज यहां पर 4 दिसंबर 2020 को हैदराबाद नगर निगम चुनाव का परिणाम देखने को मिला है, जिसमें जनता ने अपना जनादेश सामने रख दिया और जनता जनार्दन बनते हुए कई पार्टियों को लुटा चुकी है। तो कई पार्टियों के हाथ में यहां पर पूरी तरह से कह रही है कि अब की बार तेलंगाना में होगी आपकी सरकार। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हैदराबाद की जनता ने कहा है कि अब की बार हो सकती है आपकी तेलंगाना में सरकार। तो सबसे पहले टीआरएस पार्टी की बात करते हैं, जहां पर 150 सीट में से टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज कर दी और यहां पर चंद्रशेखर राव की एक बार फिर से लहर देखने को मिली है। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर राव की पार्टी को पिछली बार के चुनाव की तुलना में 31 सीटों का एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके बाद में टीआरएस पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है और टीआरएस पार्टी में हड़कंप मच चुकी है, क्योंकि टीआरएस पार्टी को जहां फायदा होना चाहिए था वहां पर टीआरएस पार्टी ने नुकसान झेल लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां पर भंगवार नाम पर जो है पूरी तरह से वोट मांग रही थी और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही थी, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठा लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीट से ऊपर उठकर 47 सीट पर आ चुकी है और 43 सीटों का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है, जिसके बाद में ओवैसी की गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी। और आप सभी को बता रहे तो ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी और कहा था कि आप किसी को भी बुला लिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे गढ़ में सेंधमारी नहीं कर पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीट के साथ ही ओवैसी के घर में सेंधमारी की, जिसके बाद में ओवैसी का घर टूटा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आप सभी को बता रहे तो AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी को 43 सीटें मिली है, जिसके तहत आप सभी को पता चल चुका है कि पिछली बार 44 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के चलते और हिंदुत्व की राजनीति के चलते ओवैसी के घर में भी सेंधमारी देखने को मिली और 1 सीट का नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों TRS पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद में ओवैसी ने यही कहा है
कि हमारा कुछ नहीं जाता है, टीआरएस का यहां पर घाटा हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जो कि हैदराबाद के सियासी दंगल में 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। अन्य दल का सुपड़ा साफ देखने को मिला, यानी तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी, उसका भी खाता नहीं खुला। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटे हैं। और इस प्रकार से हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की 150 सीटों का फाइनल परिणाम घोषित हो चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर में जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हरा दिया है और दूसरी बड़ी पार्टी बनी है हैदराबाद नगर निकाय में। और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना और दक्षिण के लिए द्वार खुल चुके। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में हार के साथ ही रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा नकारा है जनता की ओर से, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी औंधे मुंह गिर चुकी है। और कांग्रेस पार्टी को जनता ने यही कहा है कि आपने घर के रास्ते पर चल पड़िए, यानी अपना रास्ता ना पिए, अपने रास्ते घर जाइए। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ जनता की ओर से राजनीति देखने को मिली है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में नैया पार हो चुकी है और दक्षिण में भी नैया पार हो चुकी है, क्योंकि तेलंगाना में हैदराबाद एक बहुत ही बड़ा इलाका है और वह भी मुस्लिम इलाका, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व तो छवि के साथ ही जीत दर्ज करना, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की गढ़ को तोड़ना एक बहुत ही बड़ी चुनौती कही जा सकती है, एक बहुत ही बड़ा यहां पर अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट कहा जा सकता है, समर्थन कहा जा सकता है जनता की ओर से। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने आप सभी को हैदराबाद नगर निगम चुनाव 2020 के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी बताई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की फाइट दी है, लेकिन फिर भी टीआरएस पार्टी जो है मेयर के सीट को उड़ा ले गई, यानी कि यहां पर मेयर टीआरएस पार्टी का बनेगा। हालांकि टीआरएस को भी बहुमत से काफी दूर कर दिया जा चुका है, क्योंकि जो 76 का आंकड़ा था बहुमत का, वह पार नहीं कर पाए। और यहां पर 58 सीट पर टीआरएस पार्टी सिमटी है, 47 सीट पर भारतीय जनता पार्टी देखने को मिली है, जिसके बाद में मोदी लहर और टीआरएस लहर में तगड़ी जंग देखने को मिली है। वहीं ओवैसी की गढ़ में सेंधमारी देखने को मिली है, जिसके बाद में ओवैसी के कार्यकर्ताओं में खलबली मची है। तो वहीं हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है, और आप सभी को बता रहे तो कांग्रेस पार्टी को फिर से जनता ने नकार दिया। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का बोलबाला नहीं था, और एक बार फिर से मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब हुई है टीआरएस पार्टी को भी कम करने में। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी हैदराबाद नगर निगम चुनाव के परिणाम को लेकर निकल के सामने आई थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए, और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।